गरीबी को लेकर छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, इच्छा मृत्यु की मांग हो रही है, जिसको मंत्री अमरजीत भगत ने भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम बताया। मंत्री अमरजीत भगत से बातचीत की स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। मंत्री जी, आज आपने समीक्षा बैठक ली है, क्या दिशा निर्देश? छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के हित में एक से बढ़कर एक काम किए जा रहे हैं। उनका किसानों का कर्जा माफी, 2500 रुपये में धान खरीदी, इस बार भी हम MSP में खरीद रहे हैं। अंतर का राशि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कमेटी बन गई है। धान खरीदी निर्बाध रूप से चल रहा है। प्रदेश में 19,55,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, उसमें से 18,05,000 किसानों ने कल तक धान बेच चुका है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2,34,000 अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। अभी तक किसानों के खाते में 14,469 करोड़ रुपए उनके खाते में जा चुका है। अब कल तक का जो समय है उसमें लोगों को बहुत ऐसा लगा होगा कि मैं छूट जाऊंगा या मेरा टोकन नहीं कट पाएगा, लेकिन किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बताया कि आप धान खरीदी के लक्ष्य के करीब हैं, लेकिन ये राज्य में तमाम और हंगामा हो रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं धान को ही जला रहे हैं। चलिए, सब छोटा मोटा तो होते रहता है, लेकिन धान जलाने जैसी कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी लग रहा है कि अब हम चुप गए हैं, किसान हमारे हाथ से निकल गए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी कर्जा भी माफी कर रहे हैं, धान भी 2500 रुपये में खरीदे, अब इस बार अंतर का राशि भी देने वाले हैं, तो इनका हाथ में कुछ लग नहीं रहा है। सुना मंत्री अमरजीत भगत को, जिनका साफ कहना है कि जो धान का अंतिम तिथि है उसको बढ़ाने के लिए अभी कोई अनुशंसा नहीं हुई है, जो फैसला लेना है राज्य सरकार को लेना है। कैमरामैन जगत के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। टीकमगढ़ जिले के पचेर गांव